नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल युवंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, अभी हाल में उत्तराखंड में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो किस चीज़ का है। UKPSC पटवारी और लेखपाल रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे 563 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि UKPSC पटवारी और लेखपाल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, UKPSC पटवारी और लेखपाल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, UKPSC पटवारी और लेखपाल का सिलेबस क्या रहेगा, UKPSC पटवारी और लेखपाल की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में UKPSC पटवारी लेखपाल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी डाउट बने हुए हैं वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, उत्तराखंड पटवारी एंड लेखपाल वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी UKPSC ने समूह ग यानी ग्रुप सी के अंतर्गत राजस्व उप निरीक्षक पटवारी और लेखपाल के रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार UKPSC ने पटवारी और लेखपाल के 563 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 14 अक्टूबर 2022 से 4 नवंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से UKPSC पटवारी लेखपाल भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम उत्तराखंड पटवारी लेखपाल ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, उसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपन UKPSC पटवारी और लेखपाल की वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो आपके 11 जिलों में की आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में तो देहरादून में अगर बात करें तो पटवारी की 9 पोस्ट है, लेखपाल की 38 पोस्ट है। नैनीताल में अगर बात करें तो 27 पोस्ट पटवारी की है, 26 पोस्ट और लेखपाल की है। चंबौली में अगर बात करें तो 26 पोस्ट पटवारी की है, लेखपाल की कोई पोस्ट नहीं है। अल्मोड़ा में अगर बात करें तो 20 पोस्ट है, सॉरी 50 पोस्ट पटवारी की है, लेखपाल की कोई पोस्ट नहीं है। बागेश्वर में 18 पोस्ट पटवारी की है ओनली। चंपावत में 26 पोस्ट है वो पटवारी की है, एक पोस्ट है वो लेखपाल की है। इसके अलावा हरिद्वार में अगर बात करें तो 51 पोस्ट है वो आपकी लेखपाल के लिए। पूरी गढ़वाल में अगर बात करें तो 79 पोस्ट है सिर्फ और सिर्फ पटवारी की है। पिथौरगढ़ में अगर बात करें तो 38 पोस्ट आपकी पटवारी की है। रुद्रप्रयाग में 13 पोस्ट है सारी की सारी आपकी पटवारी की है। टिहरी गढ़वाल में अगर बात करें तो 45 पोस्ट ओनली पटवारी की है। यूएस नगर में अगर बात करें तो 56 पोस्ट है सिर्फ और सिर्फ आपकी लेखपाल की है। उत्तरकाशी में अगर बात करें तो 60 पोस्ट आपकी टोटल और ये 60 की 60 है वो पटवारी की पोस्ट है। अब बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में तो 391 पोस्ट आपकी पटवारी की है और 172 पोस्ट आपकी लेखपाल की है। इस तरह से आपसे टोटल 563 पदों पे अभी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो दोनों ही पदों के लिए अगर बात करें तो किसी भी विषय में अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से या फिर विश्वविद्यालय से किसी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है तो आप दोनों पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो पटवारी की अगर बात करें तो कम से कम 21 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 28 वर्ष आयु हो सकती है, और लेखपाल की अगर बात करें तो कम से कम 21 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 35 वर्ष आपकी आयु हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाएगी वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अब की बार क्या किया गया है, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं लेगी, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा, आपसे सिर्फ वही पैसा लिया जाएगा जो आप ऑनलाइन आवेदन करते हो, नेट कंप्यूटर कैफे वाले लेते हैं वही आपसे पैसे लिए जाएंगे 30-40 रुपये। इसके अलावा आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। UKPSC पटवारी लेखपाल का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इन दो चरणों से गुजरने बाद ही आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। बात करते हैं जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी UKPSC पटवारी लेखपाल एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। इसके अलावा सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के जो जनरल स्टडी और जनरल जीके के आपके क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के आएंगे, जिसमें से अगर बात करें तो इसमें आपकी रीजनिंग आएगी, इसके अलावा हिस्ट्री आ जाएगी, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और
राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट जीके और कंप्यूटर की मूलभूत की जानकारी है वो इसमें आपकी पूछी जाएगी। जो आपका 40 नंबर का पोर्शन होगा वो आपका क्या है, इन सभी सब्जेक्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड जीके आएगा आपका 40 नंबर का। इस तरह से टोटल आपके 100 प्रश्न आएंगे, 100 क्वेश्चन का आपका पेपर वो आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में, तो लिखित परीक्षा वो बहुविकल्पीय प्रश्न इस प्रकार की होगी, ओ एम आर बेस होगी और प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, 100 प्रश्नों का होगा। परीक्षा के लिए समय अधिक 2 घंटे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने साफ साफ बताया है कि अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 अंक का वो काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं यूकेपीएससी पटवारी का सिलेबस क्या रहेगा और यूकेपीएससी लेखपाल का सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आ जाएगा अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्समय तद्भव शब्द, संधि, वाक्यांश के लिए शब्द निर्माण, लघुवाक्ति और मुहावरे, और वाक्य संशोधन जो कि लिंग वचन कारक वर्तनी त्रुटि से संबंधित आपकी क्या निखारती शब्द से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो इन सभी टॉपिक के मिक्स प्रैक्टिस सेट आपको 50 प्रैक्टिस सेट वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आ जाएगा स्पोर्ट्स एंड गेम, करंट इवेंट, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटिक्स, बुक एंड ऑथर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अवार्ड एंड हॉनर, हिस्ट्री, कल्चर, साइंटिफिक प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड, इंडियन लैंग्वेज और कैपिटल एंड करेंसी से संबंधित आपके क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा आपको करंट जीके उस पर ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि करंट जीके से क्या आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। बात करते हैं इसके अलावा आपका रीजनिंग का और कंप्यूटर का। तो रीजनिंग में जो आपके बेसिक टॉपिक है वो पूछे जाएंगे, जैसे कि एनालॉजी हो गया, सिलोजिज्म से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, एकाधिक कुछ अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा आपका एक कंप्यूटर का पार्ट आएगा। इसमें कंप्यूटर में अगर बात करें तो आपके बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर के, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर आ जाएगा। इसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संबंधित क्वेश्चन, आज जितने भी डिवाइस है उससे संबंधित आपके क्या बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपके इसमें क्या पूछे जाने वाले हैं। बात करते हैं जनरल स्टडी का सिलेबस क्या रहेगा। तो जनरल स्टडी में अगर बात करें तो इसमें आएगा जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन। इसके अलावा वर्ल्ड जियोग्राफी एंड जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया, करंट नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल इंटेलिजेंस, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तराखंड से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी जितनी भी आपकी उत्तराखंड जीके है वो आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेनी है, उससे संबंधित क्या आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं जब आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो यूकेपीएससी पटवारी और लेखपाल का फिजिकल टेस्ट में आपसे कौन कौन से इवेंट होंगे, तो अगर बात करें लेखपाल पटवारी दोनों की अगर बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर आपको क्या है दौड़ना है, 35 मिनट का समय दिया जाएगा, और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना होगा। तो ये क्या आपकी दौड़ होगी जो आपको दौड़ना है, बहुत अच्छा टाइम आपको दिया जाएगा, आप आराम से इसको पास कर सकते हो। अगर बात करें केवल पटवारी के लिए तो पुरुष अभ्यर्थियों की जो न्यूनतम ऊंचाई यानी हाइट है वो 168 सेंटीमीटर कम से कम होनी जरूरी है, और फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 152 सेंटीमीटर होना जरूरी है। जो उम्मीदवार पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थियों जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका जो चेस्ट है वो 84 सेंटीमीटर, और जिसमें अगर बात करें तो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना जरूरी है। और इसमें अगर बात करें जो पहाड़ी क्षेत्र से जो उम्मीदवार आते हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन है वो 45 किलोग्राम होना जरूरी है, यानी कम से कम आपका वजन है वो 45 किलोग्राम होना चाहिए। इसके अलावा आपकी हाइट है वो 168 सेंटीमीटर कम से कम मेल कैंडिडेट की, और फीमेल की 152 सेंटीमीटर हाइट होनी जरूरी है। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो यूकेपीएससी पटवारी और लेखपाल की सैलरी में अगर बात करें दोनों की आपकी सेम सैलरी रहेगी। पे लेवल आपका 5 लगेगा, जिसके ऊपर आपकी सैलरी 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये के आसपास आपको सैलरी है वो दी जाने वाली है। तो इसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में पटवारी और लेखपाल की भर्ती का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि यूकेपीएससी पटवारी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूकेपीएससी पटवारी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूकेपीएससी पटवारी का सिलेबस क्या रहेगा, यूकेपीएससी पटवारी की सैलरी क्या रहेगी, यूकेपीएससी लेखपाल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा,
यूकेपीएससी लेखपाल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूकेपीएससी लेखपाल की सैलरी क्या रहेगी, यूकेपीएससी लेखपाल का सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में यूकेपीएससी पटवारी एंड लेखपाल भर्ती 2022 के बारे में आपके जितने भी डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं अपने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत, धन्यवाद।